सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करूंगी ड्रॉप शेप का। एक लाइट सा मैंने यहाँ पे शेप बनाया ताकि जब मैं फाइनल लाइन दूं तो मुझे पता रहे कि मेरा शेप जो है वो खराब नहीं होगा, ठीक बनेगा। तो आप भी इस तरीके से करें। अब बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पर मैं स्कैलप्स की जो सिंगल लेयर है वो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ, और ये कम्प्लीट करने के बाद अंदर की तरफ जो है दो ड्रॉप बनाने वाली हूँ। ड्रॉप की शेप आप बना सकते हैं, आप बाहर से भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है शेप छोटा है तो बाहर की तरफ से लेना, शेप बड़ा लग रहा है तो अंदर की तरफ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लोटस बीच में दिया है, आप लोटस की जगह कोई भी एनी अदर कटवर्क, एलिफेंट, पीकॉक, मतलब कि कुछ भी ऐसा डिजाइन बीच में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइरल्स ऐड करने के बाद में जो फ्लावर है लोटस का यहाँ पे उसके अंदर मैंने दी है शेडिंग। यहाँ पे पेटल्स में भी शेडिंग दूंगी। पूरा अच्छे से शेडिंग वर्क करने के बाद जो बाकी का एरिया बचेगा उसको करना है अच्छे से थिक फिल। हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ, नीचे का जो स्किन वाला पार्ट है वो नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से आपको पूरा थिक फिल करना है जैसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। हर एक स्टेप को आप अच्छे से देखना, कोई भी स्टेप आप इसका मिस मत करना। ये राखी स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन है। आप यहाँ पे बीच में ब्रदर का नेम अगर आपको लिखना है ये सेंटर में वो भी आप लिख सकते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन भी आप लिख सकते हो, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी आप इधर ऐड कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट ऊपर की तरफ मैं क्रिएटिव जो वर्क है वो यहाँ पर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है पाम लेंथ वाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा नीचे की तरफ लाइन ली है। आपको ये पूरा पाम पे लेके नहीं आना है, उससे नीचे नीचे ही ड्रॉ करना है। अगर आप रियल हैंड पे करते हैं तो भी, अगर आप पेपर के ऊपर बनाते हैं तो भी। अब यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक बॉर्डर का डिजाइन। आप चाहें तो ये बॉर्डर हटा के पूरे में फिलर एलिमेंट वाला वर्क कर सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पे मैं साइड में कर रही हूँ। स्कैलप ड्रॉ किए, सॉरी स्पाइरल ड्रॉ किए, देन उसके ऊपर स्कैलप का ये लेयर, ठीक है। ओनली स्कैलप्स वाला भी चलता है, वो दूसरी का भी डिजाइनिंग में मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप ये पूरा डिजाइनिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन में कोई भी चीज ना समझ में आए तो यहाँ कॉमेंट्स में अच्छे से आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर मैं ऐसे वी शेप में एक लाइन जो है वो क्रिएट करूंगी, देन फिर से यहाँ पर लाइन दूंगी इसके ऊपर एक और बार, मतलब कि दो बार यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइन देनी है। टोटल चार लाइंस जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने तीन लाइंस का यूज किया है, मेरी एक लाइन मिस हो गई है, बट कोई नहीं, फिर भी मैं इसको कर सकती हूँ। मैंने ऊपर जाके ना बैलेंस किया है इस डिजाइन को, तो यहाँ पे एक वेव लाइन ऐड किया,
इसके बाद में अगेन यहाँ पर ऐड करनी है लाइंस जो कि ऐसे वी फॉर्मेट में है, इसको थिक कर देंगे अच्छे से। इसके बाहर लेनी है दोबारा से लाइन और अंदर की तरफ जो है यहाँ पर डॉट्स मैं ऐड कर रही हूँ, जो वेव लाइन का अंदर वाला कर्व होता है ना वहां पर आपको वेव लाइंस ऐड करनी है। देन ऊपर की तरफ लाइन देके मैंने स्कैलप्स दिए हैं यहाँ पर, आगे तक पूरा अच्छे से ना यही चीज आपको रिपीट करनी है। आप यहाँ पे सिंगल लेयर स्कैलप्स की भी ले सकते हैं, डबल लेयर भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है डबल लेयर ऐसे क्रिएट कर ली है। आप चाहें तो पहले नीचे की डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, देन ये ऊपर वाला काम आप कर सकते हो। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर आप पूरे में कटवर्क ले सकते हो, चेक्स ले सकते हो, जो आपका दिल चाहे वैसा डिजाइनिंग आप इधर ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है बट नीचे वाले डिजाइन से बैलेंस होता हुआ हो। अब यहाँ पर मैं ना ये लीव्स वाला जो चेक्स का डिजाइन है वो ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाले जहाँ पर मैंने लीव सिखाए हुए हैं, तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस। हो सकता है ऊपर साइड में ना आई बटन आपको दिखे, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में देखोगे वहां मिल जाएगा जरूर। अभी दोनों साइड से दो डायरेक्शन से ना यहाँ पे मैंने लीव्स का जो काम है वो करना स्टार्ट किया है। नीचे मेरा हाथ ना बार बार लग रहा था स्कैलप्स के ऊपर, तो वो थोड़ा खराब हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा ऊपर तक डिजाइन मत बनाना, नहीं तो फिर सामने से अगर आपको हाथ रख के काम करना है तो फिर आपका डिजाइन खराब होगा, या फिर साइड में आप इसको कर सकते हैं। तो बीच में ये डॉट्स मैंने दिए, आप ये डॉट भी दे दोगे तब भी ये आपका डिजाइन कम्प्लीट लुक देगा। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, डॉट्स के बाद ना ऊपर और नीचे 3-3 लीव्स के सेट लिए हैं। ऐसे ही इसकी दूसरी डायरेक्शन में भी 3-3 लीव्स के सेट जो है वो लिए हैं। इसको आप ब्राइडल मेहंदी में पैरों पे और बैक हैंड पे डिजाइन कर सकते हैं, अगर आपको किसी को सिंपल मेहंदी लगानी है ब्राइड की, ओके, उसमें आप इस तरीके का हैवी चेक्स यूज कर सकते हैं। तो अभी चलेंगे ऊपर वाले एरिया में। अगेन यहाँ पर मैंने एक वी शेप क्रिएट किया, यहाँ पर ये वाला मैं चेक्स का डिजाइन, चेक्स नहीं सॉरी कटवर्क की डिजाइनिंग ऐड करूंगी। अभी बोलते बोलते ना ध्यान से निकल भी जाता है क्योंकि वीडियो पहले शूट होता है देन उसके बाद वॉइस इसमें डालती हूँ मैं, तो थोड़ा सा वो मिस हो जाता है। बट सही चीज मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है, तो वही चीज आपको इधर डिजाइन करनी है। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, फ्लावर्स के जो बंचेस है ना वो क्रिएट कर रही हूँ लीफ के साथ में। आपको ध्यान रखना है कि पास पास बनाना, ताकि ऊपर से अगर हम इसमें थिक लाइन दे तो बीच में गैप ना आए। जैसे मैं इसमें कर रही हूँ ना, सेम इस तरीके से आपको देना है। अगर लाइन बना के काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका डिजाइन खराब नहीं होगा। जैसे मैंने इसमें क्या पहले एक वी लाइन ड्रॉ कर लिया था ना वैसे। और अगर आपको चाहते हो ना आप कि आपको बेसिक से बिल्कुल मेहंदी डिजाइन लगाना सीखना है, एडवांस मेहंदी सीखनी है, फिगर्स का काम सीखना है, पोर्ट्रेट मेहंदी लगानी सीखनी है, तो मेरा जो न्यू बैच है ना बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल ब्राइडल कोर्स विद पोर्ट्रेट, वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। और इस कोर्स के साथ में एक ऑफर भी चल रहा है, जो कि ऑफर ये है, जो भी लोग 21 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें फ्री मेहंदी किट प्रोवाइड किया जाएगा। आप इंडिया में कहीं भी हैं आपको फ्री मेहंदी किट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऑफर जो है वो खत्म होने के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिटेल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही है, आप वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करके अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे मैंने लिया था कटवर्क और ऊपर की तरफ मैंने क्या किया, सर्कल एंड 3 लेयर स्कैलप्स की यूज करी है। यहाँ पर नीचे काफी हैवी डिजाइन हो गया, ऊपर मैंने लाइट डिजाइनिंग कर दी। लाइट का मतलब ये होता है कि थिन डिजाइन, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि वो घिस घिस के बनाया हुआ, वो बारीक पतला डिजाइन होना चाहिए जो कि देखने में अच्छा लगे, बैलेंस करे नीचे के डिजाइन को भी। आप देखना जब मैं इसको फिल करूंगी ना तो इसका कितना अच्छा लुक आएगा। और एक एक चीज को आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे कॉर्नर्स वगैरह ना अच्छे से कवर करते हुए चल रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से करना है, तभी आपका डिजाइन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा, अच्छा लगेगा, फिनिशिंग के साथ में आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती है, अगर आप इन पे ध्यान दे लोगे ना तो काफी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है आपकी डिजाइनिंग में। प्रैक्टिस डेली करना पड़ता है, ऐसा नहीं है गलत चीज को आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर वो आता रहेगा, फिनिशिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो अभी देखो ये मैंने ऊपर का एरिया करने के बाद, अब ये नीचे का जो एरिया है ना, अब मैं इसको थिक कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे पहले एक मैंने बोल्ड आउटलाइन ले ली, अब अंदर वाला जो पार्ट है ना इसमें पूरा अच्छे से थिक फिलिंग करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ आप देखते जाना, हर एक शेप के ऊपर थिक आउटलाइन जो है वो मैं देते हुए जा रही हूँ, तो ऐसे ही करना है आपको भी।
थंब की तरफ भी आपको ध्यान रखना है, थंब की तरफ भी आउटलाइन दिया और ऊपर मैंने लाइन देके स्कैलप्स का ये जो लेयर है वो पूरा देके, ठीक है, सर्कल के ऊपर स्कैलप्स का लेयर देके अच्छे से वो वाली साइड कंप्लीट करी। अब फिंगर में करनी है डिजाइनिंग। नीचे मैंने थिक लाइन ऐड करी है, थिन लाइन्स ऐड नहीं करनी है। थिक करोगे तभी नीचे वाला डिजाइन बोल्ड दिखेगा, हाईलाइट होगा। फिर ऊपर की तरफ मैंने एक बॉर्डर क्रिएट किया है, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पर हम फिंगर में करेंगे डिजाइनिंग। आप चाहें तो यहाँ पे थिक फिल भी कर सकते हैं, मैंने थिक फिलिंग करने की जगह यहाँ पे मोटिव्स का यूज किया है। आप टिप को अच्छे से थिक फिल कर दोगे तब भी बहुत सुंदर इसका लुक आएगा। देन नीचे की तरफ ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ मैं यहाँ पे बारीक वाले चेक्स ले रही हूँ और यहाँ पे डॉट्स ऐड कर रही हूँ। एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप ये डिजाइनिंग कर रहे हो फिंगर में तो आपको अच्छे से डॉट्स देनी है ताकि आपका डिजाइन बहुत सुंदर लगे। ज्यादा आप खुला खुला इसको ड्रॉ करोगे ना बिल्कुल भी ये डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए बारीक ही करना है। अगर आपको लग रहा है फिंगर में ज्यादा गैप आ रहा है, ज्यादा बड़ा आपको चेक्स लग रहा है, तो आप बीच में ना कुछ और फिलर एलिमेंट वगैरह या फिर डबल बॉर्डर एक साथ में लेके कम एरिया में चेक्स भी आप बना सकते हैं, तो या फिर कटवर्क ले सकते हो इतने हिस्से में जो हमने नीचे ये रोज फ्लावर वाला किया है ना, वो वाला कटवर्क आप यहाँ पे चेक्स की जगह आप ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपने नीचे चेक्स बना लिया है तो ऊपर फिंगर जो है ना, जो टिप है, उसमें आप कटवर्क की डिजाइनिंग ऐड कर सकते हो। तो मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए किस तरीके से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करना बहुत सुंदर लुक आएगा आपकी डिजाइनिंग में। तो अब ये जो चेक्स का सारा काम है ये मैं आगे तक करते हुए जाऊंगी, तो इसको आप आगे तक देखो कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। ये मेरा डिजाइन हो गया है अच्छे से बनके रेडी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।